तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं गगन प्रताप सर और राकेश यादव सर, इन दोनों टीचर में बेस्ट, मतलब कौन से टीचर का बेस्ट तरीका है पढ़ाने का और आपके लिए कौन सा टीचर अच्छा रहेगा। अगर आप ढूंढ रहे हो ये चीज़, आप पता करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ, मेरा मोटिव किसी को नीचा दिखाना किसी टीचर को या फिर किसी की बड़ाई करना ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं जैसा मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट, मैं एकदम रियल चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसा मुझे फील हुआ, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, सारे मेथड्स देख के, सारे सॉल्यूशंस देख के, उनके कैसा तरीका है पढ़ाने का, सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये कंपैरिजन होने वाला है राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर की जो पेड कोर्सेज हैं उनके लिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये राकेश यादव सर का कोर्स ले रखा है मैंने अर्थमेटिक का, और यहाँ पर गगन प्रताप सर का ले रखा है VOD अर्थमेटिक प्लस एडवांस का, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा मतलब कोर्सेज हैं, न्यू करके आ रहा है, शायद फ्री होंगे, मुझे नहीं पता, ओपन नहीं करके देखा मैंने, क्योंकि मैं कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं केवल रिव्यू देने आया हूँ इस वीडियो में। तो देखो, पहले मैं अगर राकेश यादव सर की बात करूँ तो इनका पढ़ाने का मेथड एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक एकदम बेस्ट है, ठीक है। अब बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप जब भी इनसे पढ़ोगे, पहले बात तो अगर आपको ये देखना है कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो पहले भाई उसकी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर जाके देख सकते हो। आप लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं जज कर सकते ना, ऐसे मतलब नहीं आप समझ सकते कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा टीचर अच्छा है, ठीक है। अब दोनों ही टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, किसी की हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई ये टीचर अच्छा है, ये टीचर बुरा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है ये मैटर करता है भाई, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अलग हो जाती हैं। टीचर तो दोनों ही अच्छे हैं। अर्थमेटिक मैंने इनसे VOD मतलब बैच लिया था मैंने इनका, ठीक है। तो इनके बैच में मुझे क्या खासियत लगी, इन्होंने परसेंटेज से लेके जो भी रेशियो जो भी कराया है, इन्होंने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और धीरे 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 एडवांस क्वेश्चन तक गए हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। और मेथड इनके ऐसे हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इतने मतलब ऐसा नहीं है कि आप तुरंत की तुरंत एक बार समझ के और क्वेश्चंस लगाने लग जाएं, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, उसको एकदम फ्लो में लाने में। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता भाई, आप एकदम एकदम मतलब फाड़ू तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन इनके मेथड है ना काफ़ी यूनिक हैं और शॉर्ट अप्रोच को फॉलो करते हुए ही बनाए गए हैं, और काफ़ी मतलब मेरे को अच्छे लगे पर्सनली। और कुछ चीज़ें एडवांटेज जो मैं बताऊं इनकी सर की, क्या खासियत बात है जो और टीचरों में नहीं मिलती है, ये काफ़ी धैर्य से और तसल्ली से एक एक मतलब क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताते हैं। पहले बेसिक मेथड से बताते हैं, फिर एक मेथड और बताते हैं जो इनका खुद का मेथड होता है, जिससे बच्चे एग्ज़ाम में जल्दी कर सकते हैं, और वो मेथड इनका ही होता है अच्छा, बेस्ट मेथड रहता है। जब भी आप इनकी अगर क्लास लोगे ना, अगर आप यूट्यूब पे ऑफलाइन मिलोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, काफ़ी मतलब पेशेंस के साथ एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके छोटी छोटी ये आपको बताएंगे वहाँ पर। और अगर कोई चीज़ जैसे कि आपके नहीं समझ में आ रही है, अगर आप उसे दोबारा देखोगे एक और बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ऐसा है कि मेथड जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये रेशियो से ही कर देते हैं, परसेंटेज में, रेशियो में तो रेशियो से होता ही है, ठीक है। और बाकी आपके ये CISI हुआ भाई, बहुत सारी चीज़ों में ये रेशियो मेथड का यूज़ करके क्वेश्चंस को कर देते हैं। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा रेशियो मेथड क्या होता है, लेकिन आप जब देखोगे तो आप स्मूथली, एक बार समझ में पकड़ में आ जाएगा तो आप स्मूथली से करते चले जाओगे, ठीक है। इनका अर्थमेटिक कोर्स केवल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अर्थमेटिक ही इनका मुझे पढ़ाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली। एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में मुझे क्या लगता है, इन्होंने सर ने नहीं मतलब मुझे लगता है ऐसा कि भाई थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, थोड़ा सा चीज़ें बड़ी बड़ी हो रही हैं और टाइम कंज्यूमिंग सी लग रही हैं मुझे, और समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब वहीं पर मैंने गगन प्रताप सर का देखा, तो गगन प्रताप सर का क्या है एडवांस का खासकर, ठीक है। अर्थमेटिक मैं पर्सनली बताऊं, अर्थमेटिक राकेश यादव सर की टक्कर में कोई है ही नहीं, ये बात मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं गगन प्रताप सर की, तो भाई उनका थोड़ा सा मेथड ऐसा है, अगर देखो आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं, समझ रहे हो, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो और आप अगर गगन प्रताप सर की वीडियोज़ देखोगे, तो भाई आपके थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकलने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन भाई अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप गगन प्रताप सर से बिल्कुल बेझिझक आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 12th में भी अच्छी पढ़ाई कर रखी है और मतलब, तो आप कैच कर लोगे मेथड्स को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस मैथ मुझे इसलिए प्रेफर किया मैंने इनसे पढ़ना, बेस्ट तो मैंने पूरा ही लिया था, तो एडवांस मैथ इसलिए थोड़ा सा प्रेफर किया,
एक्चुअली मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने इतनी सारी क्लासेस नहीं ली हैं क्योंकि मेरे भाई की आईडी है, वो ही पढ़ता है रेगुलरली, तो मैं केवल कुछ ही वीडियोस देखी हैं। मैं ऑलरेडी पहले किसी टीचर से पढ़ चुका हूँ ऑफलाइन अच्छे से, तो मुझे इतनी नीड नहीं है, मैं केवल सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ। अब कोई डाउट होता है वो मैं केवल डिस्कस करने के लिए, ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर या इधर उधर दोस्तों से पूछता हूँ बस, ऑलरेडी बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं करता। लेकिन मैं आपको कंप्लीट बता सकता हूँ कि भाई गगन प्रताप सर की जो एडवांस मैथ जो कराते हैं वो आपको केवल स्मूथली आपको करा देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई एडवांस मैथ में कुछ है ही नहीं। मतलब काफ़ी मेथड हैं जो इनके कराने के तरीके हैं, आपको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं जितना हमें लग रहा था क्वेश्चन में, और आपको मतलब ये लगेगा कि भाई एडवांस मैथ बहुत आसान है। लेकिन भाई एक चीज़ मैं आपको पॉइंट नोटिस करने वाला बता दूँ, गगन प्रताप सर के जो मेथड्स होते हैं जो चीज़ कराते हैं ना, क्यों क्योंकि भाई देखो हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बच्चे का चलने का तरीका अलग होता है, और मैंने ये चीज़ नोटिस की है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी करा देते हैं सर जो हर बच्चा भाई कंफ्यूज हो जाएगा उसमें, समझ रहे हो, मतलब कहीं से भी उसका सॉल्यूशन आ जाना, एक ही मेथड को फॉलो ना करना, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज करता है। अब सर के लिए मतलब अच्छा है, बेस्ट है वो, बच्चों बहुत सारे बच्चों के लिए भी है, लेकिन उन्हीं में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई उनका उनको लगता है कि भाई ये क्या एकदम करा दिया। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से ही आती है, अगर आप जैसे पढ़ रहे हो तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर हो जाएगा ना प्रैक्टिस करते करते, तो वो मेथड आपको अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे प्यारे। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है अच्छे से और आप शुरुआत कर रहे हो, और वो मेथड अगर आपके आपने देख लिए सर के, इनके गगन प्रताप सर के एडवांस मैथ के या अर्थमेटिक के, तो आप ये कहोगे भाई मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा ऐसे, इनसे तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, भाई ये क्या है IIT तो भी इससे आसान है, ऐसा लगेगा भाई आपको कुछ मतलब करके और सॉल्यूशन तुरंत आ गया 2-3 लाइन में, और आपको ये लगेगा भाई ये क्या हुआ, ये तो मेरे ऊपर से ही निकल गया। लेकिन भाई वो होता है चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, आपको बेसिक क्लियर करना है पहले, उस पर फोकस करना है, आपको ज़्यादा आगे एकदम नहीं बढ़ना है, मैं ये पर्सनल सजेशन दूंगा सभी को, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल था कि भाई अर्थमेटिक में राकेश यादव सर मेरे लिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टीचर हैं, और मैंने ज़्यादा कोई टीचर में कंपैरिजन नहीं किया क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आप चाहते हो और टीचर्स का कंपैरिजन करना इकट्ठा, तो भाई मैं उनका भी पेड कोर्स में देखूंगा उनको वो कैसे मतलब चीज़ों को कर रहे हैं, और हर बच्चे को लेके मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में या फिर एक दो को देख के उनसे रिव्यू लेके ये बता रहा हूँ, मैं हर बच्चे के अकॉर्डिंग देखता हूँ भाई टीचर मतलब पढ़ा रहा है तो हाँ ठीक है, मेरे को पता है चीज़ें मैं कर रहा हूँ इतने टाइम से तो मेरे तो आ रहा है क्लियर हो रहा है, लेकिन सामने वाला बच्चा शुरुआत कर रहा है या फिर अभी थोड़ा सा ही जस्ट उसने 2-3 महीने पढ़ाई की है उसके आएगा या नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं सोच के ही समझ के ही बता रहा हूँ आपको। भाई मैंने केवल रिव्यू दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेड कोर्स लोगे तभी आपका कंप्लीट होगा सिलेबस, बिना पेड कोर्स के भी कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। मैंने केवल रिव्यू देने के लिए वीडियो बनाया है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पेड कोर्स नहीं लेते तो आपका सिलेबस नहीं होगा या आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वैसे भी आप कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हो बिना पेड कोर्स के, तो आप मेरी बात को समझ गए होगे। तो भाई अर्थमेटिक में टाइम लगेगा, बेसिक एकदम क्लियर करते जाना, राकेश यादव सर का कोर्स एकदम बेस्ट है, कोई भी कोर्स ले लो, नया हो पुराना हो मेथड वही है, चेंज नहीं होंगे, और तरीका बिल्कुल वही है, सादा सिंपल एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। लेकिन भाई गगन प्रताप सर से अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई बेसिक क्लियर करके जाना, और यही मेरी राय रहेगी, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। बेसिक भी वो कराते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन आपकी पेस अच्छी होनी चाहिए भाई, ठीक है। आप ये नहीं कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पहले एक क्लास को अच्छे से कंप्लीट करो, जो भी इसमें बताया गया है उसके बेसिक्स अच्छे से करो, ऐसा नहीं है। अगर आप बढ़ते ही जा रहे हो और पीछे थोड़ा थोड़ा गैप होता जा रहा है, वो गैप धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, आप ये सोचोगे भाई ऊपर से निकलनी चीज़ें, ये तो भाई ज़्यादा टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, तो पहले बेसिक अपना अच्छे से क्लियर करते जाना है जो भी वो क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो गगन प्रताप सर की बता दिया मैंने, पहले बेसिक जो बताते हैं वो अच्छे से करना है, ऐसा नहीं है आपने भाई बेसिक एक दिन देख लिया भाई अगले दिन देखा ही नहीं, उससे अगले दिन देखा नहीं है, और स्टार्टिंग में कर रहे हो तो स्टार्टिंग में भाई आप मतलब फैल जाओगे, पता नहीं पड़ेगा कि भाई क्या क्या हो रहा है ये, ठीक है। और अगर अर्थमेटिक आप राकेश यादव सर से कर रहे हो तब भी भाई उसका ध्यान रखना है, जो भी वो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते हैं ना स्टार्टिंग में, वही चीज़ उनके मेथड्स में आके यूज़ होती हैं, इतना बड़ा सॉल्यूशन है तो बीच में वो चीज़ यूज़ होगी, तो आपको वो चीज़ अगर आएगी याद रहेगी तभी आप उसे कर पाओगे, तो दोनों ही केसेस में वैसे लागू होता है। लेकिन बस यही है, थोड़ा सा मतलब जो होता है ना एकदम बेसिक से
जो होता है, जो राकेश यादव सर आपको एकदम बेसिक से अर्थमेटिक के पर्पस से एकदम बेसिक से लेके चलते हैं वो, ठीक है। और उनका एकदम पढ़ाने का फ्लो एकदम नेचुरल, और क्या बोलते हैं, कोई ऐसा नहीं आपको लगेगा कि भाई ऑफलाइन पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो गगन प्रताप सर का थोड़ा सा ऐसा है कि भाई अगर आपका थोड़ा सा बेसिक ठीक ठाक है ना, तभी आप एकदम एक पहली बार में कैच कर पाओगे। अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको एक या दो बार वही मेथड देखना पड़ सकता है बार बार, ठीक है। तो ये फ़र्क है, आप समझ गए होगे। एडवांस मैथ के लिए मैंने भाई बताया गगन प्रताप सर, और अर्थमेटिक के लिए बताया भाई राकेश यादव सर मेरे अकॉर्डिंग। और आई होप आपके लिए अच्छा अच्छा रिव्यू रहा होगा ये। और अगर आपको ऐसे ही रिव्यू चाहिए और भी टीचर्स को, तो मैं पेड उनके कोर्सेज अगर नहीं है तो कहीं से भी अरेंज करूँगा, या फिर खुद लेके देखूँगा उनको, एक्सपीरियंस करूँगा, तब आपको बताऊँगा, ठीक है। तो दो लाइन में ख़त्म करता हूँ। एट दी एंड अगर आपको बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो स्टार्ट, आपको कुछ नहीं आता मैथ में, राकेश यादव का भाई अर्थमेटिक कोर्स ले लो। पहले अर्थमेटिक ही करना भाई, एडवांस में मत जाना पहले। एडवांस भाई मैं बताऊँ, 90% बच्चे एडवांस में 100% अपना अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि भाई ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें भाई मुझे लगता है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वास्ट है। उसमें क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं भाई जो, समझ रहे हो, तो वो होते ही नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, आप सेट देखोगे ना 2017 के, 16 के, 15 के, भाई उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एडवांस मैथ के, हिलते नहीं है कोई भी क्वेश्चन तो देखने पे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो भाई अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक के लिए राकेश यादव सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। गगन प्रताप सर भी अच्छे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, एकदम आंखें खुली रख के स्टार्टिंग में जो भी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं वो अच्छे से करना है, और मतलब उसे दोबारा दोबारा भाई रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने छोड़ दिया, वही चीज़ राकेश यादव सर की क्लास में करोगे तो ऐसा लगेगा भाई आपके क्लास में ही सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। और गगन प्रताप सर का भी ये है कि अर्थमेटिक आप उनसे पढ़ के देखोगे तो आपको मेथड बहुत प्यारे लगेंगे, शॉर्ट, एकदम यूनिक, टू द पॉइंट, ठीक है। और राकेश यादव सर का ये है, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि हल्का सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन भाई वो लॉन्ग नहीं होता एक्चुअल में, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है वो बहुत एकदम पानी की तरह होता है मेथड, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, सारी चीज़ें मैंने बता दी, आप इतने समझदार हो क्या है क्या नहीं है। टीचर दोनों ही बेस्ट हैं, आपके ऊपर है आपकी किससे वाइब मैच होती है, आप किसके मेथड को पकड़ पाते हो, आपको कौन से टीचर का पढ़ाना अच्छा लगता है ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए अच्छा रहा हो। अगर ऐसे ही आपको और किसी टीचर्स के रिव्यूज़ चाहिए, या फिर मुझसे जानना है कैसे क्या मतलब चीज़ें हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो क्या है क्या नहीं है। तो पेड कोर्स मैंने ले रखे हैं, एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे पेड कोर्स ले रखे हैं माई कोर्स में, ठीक है, देख सकते हो आप। और बाकी भाई यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, हर टीचर का आप अच्छे से देखो, फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, ये देखो भाई एक्चुअल में सर सर कैसा पढ़ा रहे हैं, मेरे पेस के अकॉर्डिंग है या नहीं, वही वही दो तीन क्लास और किसी टीचर की देखो जिससे आप और पढ़ना चाह रहे हो, जो भी आपने ऑप्शन रखा है दूसरा कोई, तब देखो कंपेयर करके अपने आप से, मतलब कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।